नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट ज्ञान। आप देख रहे हैं टेक ज्ञान। गाइज, आपको सामने मेरे एक बार दिख रहा होगा, ये सिंगल बार है गाइज, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। आपको जहां तक पता है ये कारवां का प्रोडक्ट है। कारवां आप रेडियो सुने होंगे जिसमें इनबिल्ट गाने भरे होते हैं और पुरानी गाने होते हैं गाइज, बजा के आप जबरदस्त नींद में सो जाते हैं, ऐसे गाने होते हैं इसके अंदर में। बहुत ही ज़बरदस्त गाने इनबिल्ट होती हैं, कुछ ऐसी इनबिल्ट आपको क्वालिटी के साथ में, इनकी क्वालिटी भी ज़बरदस्त होती है, टेस्टेड है, अब तो बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होती है फुल्ली, और क्वालिटी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रहती है इसके अंदर में। 1000 गाने इनबिल्ट की हुई है गाइज। ये केवल सिंगल बार में स्पीकर आता है, इसको आप टीवी के साथ अटैच कर सकते हैं और इंडिविजुअल आप म्यूजिक सिस्टम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी MRP लमसम 10,990 है, और आपको जो अवेलेबल मार्केट में होनी है 6,000 से 6,500 के बीच में आपको मिल जाएगी मार्केट में। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है गाइज, जिसके पास टीवी में कोई साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। आपको कई बार ऐसा होता है, पुरानी टीवी हो जाती है, उसकी साउंड सिस्टम ख़राब हो जाती है, उसके अंदर में आपको ये होम थिएटर प्लग कर लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड मिलने वाली है। सो गाइज, मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए, बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, बहुत कम कॉस्ट का प्रोडक्ट है, बिकॉज ऐसे साउंड बार जो आता है, जो मैं अभी तक अनबॉक्सिंग किया हूँ, 20-25 हज़ार से स्टार्ट होता है, ये केवल 6,500 रुपये में आपको मिलने वाला है। तो मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिए गाइज, आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, गानों के खजाने आपको दिख रहे होंगे, जो गाने आपको दिल बाग बाग करने वाली है। 92 के आसपास के सब सारे सॉन्ग हैं इसमें, दिल खुश कर देने वाली है। आप सबको पता है पुराने गानों में बहुत दम है, वो सुनने के बाद आपको कहाँ खो जाता आदमी पता नहीं। सो गाइज, बहुत शानदार लुक के साथ ये प्रोडक्ट है। आपको इसमें सॉर्ट ऑफ कॉन्फेशन इसका बता देता हूँ, सारे ऑलमोस्ट सिंगर के फोटो इसमें दिखते हैं। इसमें थोड़ा आपको कॉन्फेशन एक बार डिटेल कर लेते हैं गाइज। FM इंटीग्रेटेड है, इसमें FM भी आपको फैसिलिटी साथ में मिलती है। ब्लूटूथ 5.0 है, सो आप बेटर टू बेटर कोई भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर कनेक्टिविटी मिल जाती है। HDMI ARC पोर्ट सपोर्ट करता है, डॉल्बी डिजिटल सपोर्ट करता है। आप किसी भी टीवी में ARC पोर्ट है, हालांकि डॉल्बी एटमोस का भी जमाना है, लेकिन आप कॉस्ट के हिसाब से सोचेंगे डॉल्बी डिजिटल भी गुड इनफ है गाइस। AUX केबल लगाने की जगह है, CD प्लेयर लगाने की जगह है, आपको पेन ड्राइव लगाने की जगह है, मोबाइल से ऐप्स आप डाउनलोड कर कनेक्टिविटी कर सकते हैं गाइस। स्टूडियो 2.1 सपोर्टेड है ये। सो गाइस, ओपन करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक बार क्या शक्ल निकल के आती है। तो गाइज, खुल जा सिम, सब कुछ गाइ यही है, बस एक सिंगल बार में आता है ये। तो गाइज, सारी चीजें मैं बाहर निकाल लिया हूँ एक साथ आपको बताने के लिए। ये कुछ इनके साथ में फिटिंग दी हुई है, ये इनकी बहुत बेहतरीन फीचर मुझे समझ में आई। ऐसे हर छोटी चीज है, आपको इसको आप जब भी हैंग करेंगे तो जस्ट दीवार में इसको लगा के दो स्क्रू आपको जो पोजीशन दे रही है गाइज, यहाँ पे स्क्रू कर लेंगे और जस्ट हैंग हो जाना है। सो बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन, आप खुद भी कर सकते हैं, इस इंजीनियर की जरूरत इसमें नहीं होती है। गाइज, ये रिमोट है इसके साथ में, बैटरी दी हुई है। ये सॉन्ग की बुकलेट है गाइज, इसके अंदर में कौन से गाने इंटीग्रेटेड हैं, ये सारी गाने इसके अंदर में लिस्टेड की हुई है, नंबर डाला हुआ, नंबर से आप रिमोट से डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं ये सारे गाने। ये मैनुअल भूलना नहीं चाहिए, अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत हो, बिकॉज कोई घर में घुसेगा और बोलेगा ये गाना सुनाइए, फिर आपको बहुत पैनिक सिचुएशन में खड़े होंगे। सो ये मैनुअल आपके बहुत काम है, जब तक ये है तब तक ये रखना होगा। अब से आप रट लेंगे नंबर तो चलेगा, कौन सा नंबर पर कौन सा गाना है। सो गाइज, ये यूज़र मैनुअल है, इसके अंदर में सारी चीज़ें कैसे ऑपरेट करेंगे सब मेंशन है, कौन सा की किसके लिए बना है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें। तो मैं ये बताने वाला हूँ, इस लोगों को साइड करता हूँ गाइज। गाइज, यहाँ एडाप्टर है, एंड आपको वॉल में माउंट करने के लिए दिया हुआ है, ये कैसे लगाएंगे, सॉरी दो कनेक्टर बैटरी दिया हुआ है इसको कन्वर्टर के लिए। साथ में एक AUX केबल है, आपको मोबाइल में प्लग करना है और कोई डिवाइस से प्ले करना है तो आपको एक साथ में केबल जैसे मोबाइल से भी प्ले करें, हालांकि मोबाइल ब्लूटूथ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आईपॉड वोपॉड अगर यूज़ करते हैं आप उससे भी बजा सकते हैं गाइस। सो गाइस, इसकी स्क्रू एंड फिटिंग सारी चीज़ें साथ में दी हुई है, दीवार में आपको लगाने के लिए हर एक चीज़ की ध्यान रखी हुई है, कोई भी चीज़ आपको मार्केट से नहीं लाना, सारी फिटिंग साथ में आती है।
सो गाइस साउंड बार बाहर आ गया है, अच्छा वेट है, हल्का फुल्का, और आपको काफ़ी शानदार लुक है। ऊपर ग्लॉसी दी हुई है, ग्लास फिनिशिंग काइंड ऑफ है, सामने से ग्रिलिंग आपको दिख रही है। स्पीकर आपको नज़र आ रहे हैं दो, इस साइड है, ट्यूटर बीच में दिख रहा है, ये निकाल लेते हैं। इधर भी आपको दो स्पीकर नज़र आ रही है। कारवा का ब्रांडिंग की हुई है गाइस। बैक साइड एक बार चेक कर लेते हैं, ये हैंगिंग का पोर्ट दिया हुआ है जैसा आपको दिख रहा होगा। ये एंटीना पोर्ट है इसके साथ में। काफ़ी शानदार फिनिशिंग है गाइज, आपको काफ़ी चमकता हुआ फिनिशिंग ग्लास काइंड ऑफ दिख रहा है। सो काफ़ी इंप्रूव है इस प्रोडक्ट के अंदर में। ये न्यू प्रोडक्ट इनका लॉन्चिंग है, जो पहले के मैंने प्रोडक्ट देखे थे उससे बहुत ही शानदार लुक निकल के आ रही है। काफ़ी चिकना एंड शानदार फिनिशिंग के साथ है, आपको लुक के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा प्रोडक्ट का। सारी पोर्ट एंड डिवाइसेस ऊपर दी हुई है इसको कंट्रोल करने के लिए। ये आपको जहाँ तक बताया मैं, ये एंटीना पोर्ट है, आप इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीछे बैक साइड कनेक्टिविटी है, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं। पावर एडाप्टर यहाँ लगेगी, आपको HDMI USB केब पेन ड्राइव लगाने की जगह है, EXU प्लग करने की जगह है, ये भी आपको वीडियो एंड आपका HDMI केबल लगा है, ARC पोर्ट है, यहाँ से आप TV से प्लग करके TV में यूज़ कर पाएंगे इसको साउंड बार की तरह। सो गाइज आगे चलते हैं, पहले इसको प्ले करते हैं, फिर आपको हम कोशिश करेंगे कि TV के साथ प्लग करके भी इंजॉय करें। सो गाइज काफ़ी शानदार लुक के साथ ये प्रोडक्ट है, मैंने पावर ऑन कर लिया। एक बार आपको कीबोर्ड एंड बाकी चीज़ें डिटेल कर देते हैं, एक बार लुक में आप देख लो। काफ़ी सुंदर एंड डिज़ाइन इसकी ज़बरदस्त है, फिनिशिंग बहुत ही शानदार है इंडियन प्रोडक्ट को। नहीं, इंडियन प्रोडक्ट से अपन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन ये ज़बरदस्त आपको मल्टीनेशनल ब्रांड काइंड ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है। जो प्रोडक्ट है उस फिनिशिंग में ये प्रोडक्ट बनी हुई है। ऊपर का जो फेस है वो काफ़ी ग्लॉसी है और ग्लास काइंड ऑफ शेप में दी हुई, जो प्लास्टिक यूज़ किया हुआ है, काफ़ी शाइनिंग है उसके अंदर में। सो गाइस आपको सामने दिख रहा होगा पावर बटन है, सारेगामा बटन है, FM का बटन है, ब्लूटूथ बटन है, आपको HDMI एंड बाकी EXU केबल सेलेक्शन करने के लिए है। यहाँ पे आपको USB केबल एंड EXU के लिए है, प्ले फॉरवर्ड एंड पॉज करने के लिए, प्लस माइनस वॉल्यूम के लिए। तो बहुत सिंपल सा की है, कोई भी दादा अंकल किसी को भी दीजिएगा वो सिंपल बजा पाएंगे, कोई ज़्यादा टेक्नोलॉजी समझने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज प्ले करते हैं सीधा सारेगामा, जिस पर्पज़ के लिए म्यूजिक सिस्टम ये बना हुआ है, पहले उसको चेक करते हैं कितने गाने इसमें और कैसे बजती है। तो एक बार पावर ऑन करते हैं इसमें गाइज। सबसे बड़ी बात है, पावर ऑन करने से भी आपको बताता है, मैं पावर ऑन हो गया हूँ, ये फीचर अपने में लाजवाब है। पावर ऑन सारेगामा मोड गाइज, गाने पे आ गया। आपका रिदम बनाए रखता है जैसा आपको दिखा, लगातार नॉन स्टॉप भी गाना आप प्ले फॉरवर्ड करें, कोई गाना आपको बोरिंग नहीं मिलता, इतनी जबरदस्त इसके बिल्ड जो गाने आते हैं वो लाजवाब सादा बाहर गाने होते हैं, आप कोई भी पॉज करने का मौका नहीं देगा, आप एक के बाद एक गाने आते रहते हैं। इसीलिए बहुत फेमस प्रोडक्ट है सारेगामा। इसके अंदर इंटीग्रेटेड जो सॉन्ग होती है वो अपने आप में सारे लाजवाब होती है, किसी को स्किप नहीं कर पाएंगे, अब नॉन स्टॉप सुनना पड़ता है। सो मैं फॉरवर्ड करते रहा, आपको दिखा होगा सारे गाने एक से बढ़कर एक आते गए। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, आपको एक टीवी के साथ प्लग करके आपको रियल होम थिएटर जो सिस्टम जो पर्पज़ के लिए लेने वाले हैं कि आपको टीवी के अंदर जो साउंड होती है थोड़ी कम होती है, उससे ये पावरफुल साउंड जनरेट करता है। बिकॉज ये 60 वाट का साउंड बार है, सिंगल बार में ही आपको बूफर एंड साउंड स्पीकर सारी मजा दे देते हैं गाइस। तो एक बार आपको टीवी के साथ प्लग करके फिर प्ले करते हैं। सो गाइस प्लेटफॉर्म रेडी है, जैसा मैंने टीवी ले आया है, टीवी के साथ में आपको साउंड बार भी लगा रखा हूँ मैं। टीवी आप जो लो इंड खरीदते हैं तो उसके अंदर साउंड उतनी नहीं होती है, वो दम नहीं होता जो सोनी सैमसंग LG में आपको टीवी की साउंड मिलती है। वैसे डाउन साउंड जो है आपको सी ब्रांड जो आप परचेस करते हैं, नियर लोअर ब्रांड खरीदते हैं, उसके अंदर में साउंड उतनी दम नहीं निकल के आती है। उसके साथ में आपको साउंड बार मिनिमम लेने की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज उसकी साउंड ही वोकली क्लियरिटी नहीं होती है। तो पहले मैं गाइस आपको टीवी की साउंड आपको सुनाऊंगा कितनी साउंड आती है,
उसके बाद हम लोग साउंड बार ऐड करेंगे, सो दोनों का डिफरेंसेस आपको क्लियरिटी के साथ पता चलेगा। सो लेट्स प्ले पहले टीवी। एक्सपीरियंस है जो साउंड बार के बाद में साउंड आता है, जो बुफर क्वालिटी है आपको साउंड मिलता होगा वो आपको समझ में आएगा, जबरदस्त चेंजिंग होती है। सो हर किसी को एक साउंड बार की जरूरत है, जो भी टीवी होती है उसकी इतनी दम नहीं होती, वे 10-10 वाट की स्पीकर होती है उतना दम निकल के नहीं आता है। ये इंटीग्रेटेड आपको जो बार स्पीकर है, ये बुफर भी इंटीग्रेटेड है, सो आपको बुफर का भी पूरा मजा मिलता है। और इसके अंदर जो गाने 1000 बिल्ट इन है वो तो दिल खुश कर देता है गाइस, जबरदस्त मजा आने वाला है। सो बहुत अच्छी प्राइस में है, आपको नियर अबाउट ऑनलाइन के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे 7699 के आसपास प्राइसिंग है, मार्केट में भी आपको 6,500-6,000 के आसपास मिल जाना है गाइस। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट मुझे लगा जो आपको जिस प्राइस पॉइंट में ये अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा प्राइसिंग है। सो आपको अगर परचेस करना है तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा, वहाँ से परचेस करेंगे, मेरे चैनल को सपोर्ट मिलता है गाइस, उससे मोटिवेटेड होगा, आपको नए नए प्रोडक्ट हम लेकर आते हैं। तो गाइस मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।